नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये आपको पता होगा इस ये वीडियो किस बारे में है। बेसिकली ये वीडियो है एलन टैब एलन 11 को अनलॉक करने के बारे में। तो बेसिकली आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ, से आप एलन टैब 11 हो या 7, आप किसी को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। आप जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं आप अपने सामने, वो एक्चुअली में रिकॉर्ड किया गया है एलन टैब 11 के अंदर। मैंने सोचा यार यही बढ़िया होगा कि मतलब सीधे ऐसा वीडियो एक सीधे एलन टैब में ही रिकॉर्ड किया जाए, जिससे क्या आइडिया लगेगा कि एलन टैब बाद में कैसा दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एलन टैब बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर रखा है, पहला स्क्रीन रिकॉर्डर, दूसरा पफिन, तीसरा हॉटस्टार और चौथा गूगल एड्स और एडसेंस। ये जो है सो कुछ ऐप्स मैंने इंस्टॉल कर रखा है, बाकी ऐप्स को मैंने अपडेट कर रखा है। और यही ऐप्स है, इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो ऐसा ही दिखेगा अगर आपका मतलब एलन टैब को अनलॉक कीजिएगा। तो इसमें वो एप्लीकेशंस हट जाएंगे जो आप जनरली जिससे आप PDF खोलते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वो सब हट जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको अनलॉक कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो दिख रहा होगा मेरा, ये एलन टैब 11 है। और ये मैं बेसिकली इसको माउस से इसलिए अनलॉक करना सॉरी माउस से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका टच फूट गया था। और जब फूटा हुआ था तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि यार टच बदलना है, तो उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये लगेंगे। तो कहा यार 5,000 रुपये क्या इस कचरे में खर्चा करें, इससे अच्छा जो है अपना माउस से ही काम चला रहा है। तो बेसिकली अगर आप में से किसी को ये एलन टैब जो है सो अगर लेना है, तो जो कि मेरे पास है, आप किसी काम का रहा नहीं क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं अपने कोर्स के लिए। अगर आप एलन टैब ख़रीदने का सोच रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। आप 5,000 रुपया में डिस्प्ले सॉरी टच बदलवा लीजिएगा। डिस्प्ले तो ठीक है, टच बदलवा लीजिएगा। और मैं इसको सस्ते में बेच दूंगा, वैसे भी इतना सस्ता बेचूंगा कि आप फ़ायदे में ही रहेंगे। तो कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और हाँ, कांटेक्ट कीजिएगा तो सीधे आप काम की बात करिएगा कि हाँ एलन टैब ख़रीदना है। कुछ इधर उधर का मतलब है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं बोलिएगा कि आप ये है वो है, क्योंकि ऐसे बोलिएगा तो मैं फ़ोन काट दूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इधर उधर के फ़ोन आते रहते हैं, तो पता नहीं कौन किसका मतलब कौन किसके लिए फ़ोन करता है। तो बहुत सारे फ़ोन तो कहने का मतलब यही है कि आप सीधे मुद्दे पे बात कीजिएगा, तभी आप बात कर पाएंगे, नहीं तो मैं फ़ोन काट दूंगा सीधा। तो इसीलिए मैं एक वार्निंग देना चाह रहा था। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसके लिए, अब डिसाइड करना पड़ता है यार कौन सा कॉल किस कौन कर रहा है। खासकर अननोन नंबर से कॉल आता है तो और दिक्कत होता है। तो बहुत सारे काम करता हूँ ना, इसलिए जो है सो मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आते हैं। तो खैर छोड़िए, अपने काम की बात करते हैं। अब बात हो जाता है कि आपको अनलॉक कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं, बेसिकली मैंने जब मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैंने एक मेल किया कि यार मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप मुझे जो है मतलब डिवाइस को अनलॉक करके दो। मुझे लगा कि डिवाइस को भेजना पड़ेगा वापस कोटा, लेकिन उन्होंने एक तरीका भेजा, उन्होंने ईमेल किया, मुझे ईमेल बैक किया कि ऐसे 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 करके आप डिवाइस अनलॉक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे कि एलन टैब 7 को अनलॉक करना बताया गया है, लेकिन उस वीडियो में एलन टैब 11 को अनलॉक करना नहीं बताया गया है। एलन टैब 7 और एलेवन टैब 11 को अनलॉक करने में सब चीज़ सेम है, बस एक चीज़ को छोड़ के उसका जो फाइल आता है OS फाइल, क्या बोलते हैं उसको, भूल जाते हैं यार, फ्लैश फाइल, हाँ फ्लैश फाइल, वो दोनों का अलग होगा, बाकी सब प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, मुझे ये पता था कि OS का उसका जो OS होगा वो सिर्फ एलन दे सकता है, इसलिए मैंने एलन को ईमेल किया। लेकिन आपको उस OS को मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक, आप जो है सो उस OS को डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से। 600 की 700 MB का है और टोटल 700 MB के अंदर में निपट जाएगा आपका पूरा डाउनलोड। तो 700 MB अपना खाली रखिएगा अपने डेटा कनेक्शन में, मतलब 700 MB डाटा होना चाहिए आपके फ़ोन में या फिर वाईफाई में जो भी हो। तो आप देख सकते हैं ये मेल है मेरा रिगार्डिंग माई टैब, मैंने मेल किया था, उसमें मैंने बेसिकली लिखा था माई फॉर्म नंबर, माई मतलब नेम और माई कोर्स इज़ कम्प्लीट, आई वॉन्ट टू अनलॉक माई टैब, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिखा था उसके नीचे। उनका रिप्लाई आया था, डियर इनकर ग्रीटिंग फ्रॉम एलन, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी अप्रिशिएट यू टॉकिंग अबाउट टॉक टू टाइम यू टॉकिंग द टाइम टू कॉन्टैक्ट अस,
यार क्या लिखा हुआ है, अजीब है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था। खैर कोई बात नहीं, उसके आरस में बेसिकली यही सब एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब आप जो है सो एलिजिबल है अपने टैब को अनलॉक करने के लिए, और आपको एक PDF दिया जाता है जिससे कि आप कैसे अनलॉक करना है वो आप देख सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर। तो ये रहा वो PDF। अब चलिए उस PDF की तरफ चलते हैं। PDF कहाँ है? PDF PDF PDF, ये रहा PDF। PDF खुल गया। तो इसमें लिखा हुआ है क्लिक द लिंक बिलो टू डाउनलोड OS, ठीक है। तो ये जो लिंक बिलो है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं OS को। उसके नीचे एक और लिंक दिया गया है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली एक टूल को, जिसको बोलते हैं SP फ्लैश टूल, जिससे कि आप अपने मतलब जो है सो क्या कहते हैं एलन टैब 11 को फ्लैश करेंगे, और ये उसका ऊपर वाला OS फाइल है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि आप जब फ्लैश कीजिएगा ना, जो भी प्रोसीजर दिए हुआ है इसमें से एक प्रोसीजर मिसिंग है। वो प्रोसीजर मिसिंग ये है कि आप अपने क्या कहते हैं आपके विंडोज़ 7, आप यूज कीजिएगा, मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप विंडोज़ 7 में ही फ्लैश करें, विंडोज़ 7 के लिए काम करेगा। आप विंडोज़ 7 आपके पास मस्ट होना चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए। हाँ, तो इसमें एक प्रोसेस मिसिंग है, वो ये है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसको जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि इसमें ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। चूँकि एलन टैब 11 जो है मीडिया टेक प्रोसेसर बेस्ड है, और उसका ड्राइवर जो है मीडिया टेक का वो आपका कंप्यूटर में नहीं होगा, तो उसको कैसे डालना है वो इसमें दिया ही नहीं गया है। क्योंकि बिना ड्राइवर के जो है सो आपका मतलब, कहने का मतलब है आपका जो है यार क्या बोलते हैं आपका जो है सो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। यहाँ तक तो काम कर जाएगा, जहाँ तक यहाँ लिखा है सेलेक्ट द फॉलोइंग पाथ। आप सारा प्रोसेस कीजिएगा ना, उससे पहले आपको मीडिया टेक का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो मीडिया टेक का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर एलन टैब को कैसे अनलॉक करना है और पूरा कैसे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है। उस वीडियो में सब चीज़ बताया गया है एलन टैब 7 के बारे में, मतलब एलन टैब 7 के बारे में, और कैसे अनलॉक करना है, क्या करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के आपको मतलब उसका जो है सो उस फ्लैश फाइल टूल का भी जो है सो लिंक मिल जाएगा सभी चीज़। लेकिन उस वीडियो में एक चीज़ मिसिंग है कि उसमें एल टैब 11 का OS नहीं है, क्योंकि उस जिस लड़के ने उस वीडियो को अपलोड किया उसके पास एल टैब 7 था ना कि 11। तो उसने अपना जो है सो 7 का प्रोसीजर डाला अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी है, लेकिन मेरे पास 11 है, तो मेरे पास 11 का फ्लैश फाइल है। तो बेसिकली आपको डाउनलोड करना है फ्लैश फाइल एलन टैब 11 का मेरे लिंक से, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और बाकी दूसरा लिंक होगा जो कि सीधे उसके वीडियो को जाता होगा। तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि आखिर में एलन टैब को मतलब जो है सो अनलॉक कैसे करते हैं। तो ये प्रोसीजर आप उसमें देखिएगा, और जो है सो जो फ्लैश फाइल है आप वो डाउनलोड कीजिएगा मेरे वीडियो से, मेरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, सॉरी उस फ्लैश फाइल का लिंक। तो यही था वीडियो बेसिकली। मैं एक्चुअली मैं कर सकता था, क्या कहते हैं, आपको पूरा प्रोसीजर बता सकता था और बताना भी चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं जो लैपटॉप यूज़ करता हूँ वो उबुंटू बेस्ड है, मतलब लिनक्स बेस्ड है। मैं विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप में से कई बोल रहे होंगे यार विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ करते, सब विंडोज़ यूज़ करते हैं। भाई मैंने विंडोज़ बहुत यूज़ किया है, इसलिए मैं विंडोज़ यूज़ नहीं करता। मैं जो है उबुंटू मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे सिक्योर भी है, लाइट वेट भी है, उससे ज़्यादा हैंग नहीं करता है, फंसता नहीं है, वो तो एकदम फ्लॉलेसली चलता है बिना किसी हैंग के, इसलिए मैं उबुंटू यूज़ करता हूँ भाई। और सभी चीज़ में बेस्ट है उबुंटू, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं कर सकते हैं कि उसमें गेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो अब गेम खेलना भी नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है गेम खेलने में, मैं टेक टाइप का आदमी हूँ, तो टेक टेक रिलेटेड ही काम करता हूँ, तो वो उबुंटू में हो जाता है। वैसे भी लिनक्स जो है सो प्रोग्रामिंग के लिए या हैकिंग वैकिंग के लिए जो है सो बेस्ट माना जाता है,
ये बात पता होगा, ज़्यादातर सर्वर्स जो होते हैं ऑनलाइन वो सब लिनक्स बेस्ड होते हैं। तो बस यहाँ पे यही था कि मैं, मेरे पास जो है सो मतलब क्या कहते हैं, फ़िलहाल विंडोज़ लैपटॉप नहीं है। और फिर आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मतलब कि फिर मैंने इसको अनलॉक कैसे किया। तो भाई मैंने इसे अनलॉक इसलिए किया कि मेरा एक दुकान भी है, मेरे भैया का दुकान है, तो उस दुकान में जो है तीनों विंडोज़ हैं। और तो तीन लैपटॉप है, तो उसमें से एक लैपटॉप जो दुकान में यूज होता है, लेकिन बाकी दो लैपटॉप ऐसे ही रखा रहता है। तो उसमें से एक लैपटॉप जो है मैंने उठा के और वापस लाया, और उस लैपटॉप से ही मैं जो है अपने क्या कहते हैं एलन टैप को अनलॉक किया। ठीक है, तो फिर मैंने वो लैपटॉप वापस जाके जहाँ से लाया था वहीं रख दिया। तो फ़िलहाल मेरे पास वो लैपटॉप नहीं है, तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। और जिस समय मैं ये कर रहा था, उस समय मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, क्योंकि यार उस समय में अगर रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर के द्वारा अगर कोई गलती हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। और वैसे भी मैं फोकस करना चाहता था अपने काम की तरफ, ना कि रिकॉर्डिंग की तरफ, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन दबाइएगा। लेकिन आपको जो वीडियो का लिंक नीचे मिलेगा, उसमें आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।